बच्चों क्या हाल है बेटा? आज हम काफी समय के बाद बेटा मिल रहे हैं आपस में। मुझे बेटा 5 महीने 5 दिन हो गया आज। आप बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया बेटा। आज बेटा मैं कुछ हटके बनाना चाहती हूँ, एक इजिप्शियन पेंटिंग। ये देखे बेटा, मैंने फोटो स्टेट ये एक इजिप्शियन पेंटिंग करवाई है। आपको ऐसे बड़े डिजाइन मिल जाएंगे बेटा, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इजिप्शियन पेंटिंग के बड़े पेजेस मिल जाते हैं, डिजाइन मिलते हैं बेटा। वो निकाल के आप फोटो सेट करवा सकते हो। बच्चे इस पे इस लकड़ के ऊपर बेटा, इस ये वाटर प्रूफ एक लकड़ का पीस है, ये फर्नीचर वाली शॉप से मिल जाता है जहाँ फर्नीचर बनाते हैं बेटा, कारपेंटर बैठे होते हैं। ये उसने मुझे 60 रुपीज का बेटा ये एक पीस दिया, ये वाला। आप अपने डिजाइन के हिसाब से मेजरमेंट करके आप उसे मांग सकते हैं, मुझे इतना डिजाइन इतना दे दो। ये मेरा शायद 12 बाय 15 का बेटा लकड़ का पीस है। बच्चे इसके ऊपर मैंने ये पतला करके फेविकोल बेटा, ये पतला करके मैंने घोल लिया है, और इसके लकड़ के ऊपर मैंने ये लगा के, इस लकड़ के ऊपर ये बेटा सारे लकड़ के ऊपर ये मैंने ऐसे करके फैला दिया है। उसके बाद मैंने इसको इस पेज को लगा दिया है। ये देखें, ये पेज बेटा मैंने बना के ये लगा लिया है। ये देखें, ये एक पेज पूरा मैंने इसके को लकड़ के ऊपर लगा लिया है। ध्यान रखें लगाते समय इसके ऊपर सलबटे ना पड़े, जो वट पड़ जाते हैं कागज पे। आप कागज को थोड़ा सा उठाएं, हवा निकाल के ऐसे इसको पेस्ट कर लें बेटा। उसके बाद पेस्ट करने के बाद बच्चे ये जब सूख जाए, इसके ऊपर हमने ये पतला जो मैंने फेविकोल, ये अभी देखें बेटा, ये फेविकोल घोल के रखा हुआ है, इसको मैंने एक कोटिंग इसकी मैंने इसके ऊपर कर देनी है बच्चे। पेज को, पेज के ऊपर मैंने ये देखें मैंने कोटिंग कर दिया। एक ही तरफ बेटा इसको ऐसे ब्रश को ले जाना है आपने। ये देखें बच्चे, ये मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ। बार बार बेटा ऊपर नहीं चलाना क्योंकि ये पेज है बच्चे। ये देखें बेटा, जहां से बेटा छूट जाता है पेंट करते समय, ये लगाते समय, वहां आप लगा सकते हो ऐसे दोबारा, जहां आपको लगे पेज के ऊपर आपका फेविकोल नहीं आया। इसकी कोटिंग देनी है बेटा पेज के ऊपर। ये देखे बेटा, ये सारा पेज मैंने इसके ऊपर कर दिया। अब इसकी सूखने की बेटा वेट करनी है मैंने। और ये जो फेविकोल बेटा बचा हुआ है हमारे पास घुला हुआ है पानी में, ये मैंने वापस इस डब्बी में डाल देना, पानी वाला फेविकोल। ये देखें, आप वैसे भी फेविकोल को जब यूज करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया करें बेटा, हल्का सा पानी डाल दें तो उससे ये फेविकोल सूखता नहीं है। आप जब भी आप खोलोगे अपना फेविकोल, ये आपको पूरा का पूरा ठीक मिलेगा। बच्चे ये मैंने इस डब्बी को बंद कर दिया, फेविकोल मैंने इसके ऊपर लगा लिया बेटा। ये देखें सारा फेविकोल लगा लिया है। अब ये सूखने के ऊपर बेटा मैं फिर शुरू करती हूँ आपसे। अभी मैंने आपको बताया था वे फेविकोल मैंने पतला पतला लगाया है। बच्चे फेविकोल सूखने के बाद, ये 3D आउटलाइनर है फेविक्रिल के मेटेलिक गोल्ड, ये 23-25 रुपए की बेटा मिलती है। आप जब ये खरीद के लाए तो 2 ट्यूब जरूर खरीदे बेटा इसकी। कई बार इस काम करते करते ये रुक जाती है बेटा, या खत्म भी हो सकती है। ये बेटा देखे, मैंने 2 ट्यूब बेटा लाई हुई है। ये देखे फेविक्रिल की मेटेलिक गोल्ड, इसके साथ बेटा ये प्रिंट के ऊपर मैं ये देखे आउटलाइन कर रही हूँ। ये सारे प्रिंट के ऊपर मैंने इसके साथ बेटा ये आउटलाइन कर रही हूँ। ये देखे बेटा,
सो आपने भी बेटा ऐसे करना है। ये देखे बेटा, ये ट्यूब चल रही है मेरी, ये देखे बेटा, ये मैं काम कर रही हूँ बेटा इसके ऊपर, आउटलाइनर से फैब्रिक गोल्ड, जो मेटेलिक गोल्ड कलर है बेटा, उसके साथ ये आपने ऐसे बेटा इसको चलाना है। ये बेटा कभी कभी रुक जाती है चलते चलते। आपने इसमें पिन, एक सुई रखें, सुई धागे वाली, चाहे पिन रखें, इसकी नोजल में लगा लें, मार लिया करें बेटा, उसको क्लीन कर लें। ये देखें बेटा, ये ट्यूब चल रही है 3D आउटलाइनर मेटेलिक गोल्ड। बेटे इस ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये फैब्रिक कलर्स हैं, फैब्रिक कलर वालों की है। फेविक्रिल हाँ जी बेटा, जब ये एक चीज और नोटिस करें बेटा, ये डिजाइन को शुरू मैंने ऊपर से किया बेटा, पहले ऊपर वाला हिस्सा आपने शुरू करना, करते करते नीचे आना बेटा, क्योंकि ऐसे आपका हाथ लगेगा। एक हिस्सा बना लो बेटा, ये देखिए मैंने राउंड लगाए हैं, अब इसके नीचे वाली लाइन मैंने छोड़ दी है, ये राउंड थोड़े सूखेंगे, उसके बाद मैं लगाऊंगी बेटा एक लाइन, क्योंकि ऐसे ये हिल जाता है बेटा सारा कुछ। अब ये मैं इसके डंडे हैं ये लगा रही हूं, हाथ थक भी जाता है, जब हाथ थक जाए आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नोजल के ऊपर बेटा जब छोड़ो ये ढक्कन, इसका ऐसे लगा के बेटा कैप, इसकी कैप लगा के छोड़ना, नहीं तो ये सूख जाता है बेटा बीच में से। अब बेटा इसको मैं खत्म करूंगी, तो इसके मुझे लगता आधा घंटा मुझे लग जाएगा इसको सुखाने में, उसके बाद बच्चे हम इसके ऊपर कलर करेंगे कॉफी के साथ बेटा, ये कॉफी पेंटिंग है आज। इजिप्शियन पेंटिंग कॉफी के साथ बेटा, बड़ी अच्छी लगेगी बेटा ये बनने के बाद। आप बेटा जब बनाओगे ये इजिप्शियन पेज जो है, पेंटिंग्स जो है, आप गूगल से ले सकते हैं डिजाइन बेटा, वहां बड़े डिजाइन मिलते हैं, आप छोटा वाला भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो, जितनी आपकी मर्जी है बेटा। ये फोटो स्टेट वाले डिजाइन को बड़ा कर देते हैं। ये पेज मुझे बेटा उसने 2 रुपए लेके मुझे इसने ये डिजाइन को बड़ा कर दिया उसने, मुझे ये 2 रुपए वाला पेज है बेटा। सो आप ऐसे कर सकते हो बेटा, अपने हाथ से भी बना सकते हो अगर आपको आता है बच्चे, ड्राइंग करनी आती है। सो ये देखें बेटा, ये मेरा कंप्लीशन पे है, ये अब मेटेलिक ट्यूब से बेटा हाथ थक जाता है काम करते करते, थोड़ा रोक ले बिशाक आप। हाँ जी बच्चे देखे, ये 3D आउटलाइनर से बच्चे सारी मैंने इसको इजिप्शियन पेंटिंग को कर लिया, लाइंस के ऊपर मैंने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद बच्चे ये सूख गया। अब आधा घंटा लगता है बेटा इसको सूखने में, सूखने के बाद देखो ये कितनी चमक आ जाती है बेटा, ये इसकी निशानी है, ये देखें चमक गया पूरा, ये देखें बच्चे। अब बेटा मैंने कॉफी ली है बेटा,
एक चम्मच बेटा ये देखें, ये इतनी कॉफी मैंने ली है, एक चम्मच, ये एक चम्मच कॉफी। आपके घर में है तो ठीक है बच्चे, नहीं तो 10 रुपए का पैकेट आप ले आए हैं, मुझे लगता है उसमें से एक चम्मच कॉफी निकल आती है। एक चम्मच कॉफी में बेटा 2 चम्मच मैंने पानी डाल देना, देखती हूँ 2 पड़ेगा कि 3 पड़ेगा बच्चे, ये देखती हूँ मैं अभी। अभी मैंने 2 चम्मच पानी डाला बेटा, ये इसको मैं हिला रही हूँ अच्छी तरह से, कॉफी को घुल जाए पानी में बेटा अच्छी तरह। जो मर्जी कॉफी हो बेटा, आधा चम्मच बेटा मेरा ये छोटे चम्मच है, ये मैं आधा चम्मच पानी और लेने लगी हूँ। ये देखे बेटा इतनी कॉफी वाला ये पानी है मेरे पास, ये देखे बेटा, बस इसको मिक्स करना अच्छी तरह से बेटा। मिक्स करने के बाद चौड़ा ब्रश लेके, ये चौड़ा ब्रश है बेटा मेरे पास, इसी से मैंने सारा काम किया। सो ये कॉफी जो है मैंने बेटा इसके ऊपर लगा देनी है, ये देखें बेटा, ये मैं ये हमारी कॉफी पेंटिंग बेटा तैयार हो रही है, सूखने के बाद बहुत अच्छी लगेगी बेटा। अगर आपको पहले कोट में लगे ये कि आपके ये कम लाइट है तो बेटा इसको कॉफी और डाल लेना, ये देखे बेटा। पानी कम ही रखना बेटा, ज्यादा मत रखना, मुझे लगता है 2 चम्मच कॉफी का पानी ठीक होता, 2 चम्मच मैंने उससे थोड़ा ज्यादा गिर गया बेटा पानी, मैंने 1 चम्मच जो दोबारा डाला है वो मैंने गलत डाला बेटा, आप 2 चम्मच ही डालना। बच्चे इसके ऊपर वो मत भूलना, फेविकोल जब हम नीचे लगाते हैं पेज जोड़ने के लिए, उसके बाद पतला सा कोट इसके ऊपर भी लगाना होता है बच्चे फेविकोल का, वो मत भूलना।
ये देखे बेटा, ये मैं सेकंड दोबारा फिर ऊपर से कर रही हूँ। कुछ लाइंस नजर आ रही थी मुझे, सॉफ्ट हाथ से बेटा, अच्छे ब्रश से। बेटा ये जो निशान आ रहा है, ये मुझसे थोड़ा सा कागज फट गया था बेटा हाथ से, इसलिए ये निशान आ रहा है बेटा। ये देखें बेटा, ये हमारी कॉफी पेंटिंग बेटा तैयार हो गई है। इसको बेटा अंदर ही सुखाना, बाहर कई बार हवा में मिट्टी उड़ती है बेटा, वो इसके ऊपर चले जाएगी। इसको कमरे में ही बेटा सीधे रख के, खड़े नहीं करना बेटा, कि मेरी पानी का इसका बहाव थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। आपको सीधे ये रखनी पड़ेगी बेटा सुखाने के लिए। ये देखे बेटा, ये हमारी कॉफी पेंटिंग ये बिल्कुल रेडी हो गई है बच्चे। ये सूखने के बाद ये गोल्डन गोल्डन जो मैंने लाइंस लगाई थी बेटा, वो उभर आएंगी सूखने के बाद। बेटा मैं आपको इसको फिर एक बार दिखाऊंगी। बेटा ये पूरी सूख गई है, ये देखिए कैसे चमक रही है, कितनी सुंदर लग रही है ये कॉफी पेंटिंग, इजिप्शियन कॉफी पेंटिंग। सो बेटा आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें बेटा। थैंक यू, आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया बेटा मुझे, इसके लिए थैंक्स बेटा, बहुत बहुत। ओके बच्चे, बाय।